उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल झांसी महानगर द्वारा 15 अगस्त के मौके पर व्यापारियों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा की, जो चंद्रशेखर आजाद से होकर मुरली मनोहर मंदिर से लक्ष्मी गेट होते हुए सागर गेट पर समाप्त की गई, जिसमें मुख्य अतिथि झांसी महापौर रामतीर्थ सिंघल ने यात्रा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। आज ये जागरण द्वारा प्रायोजित तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे व्यापार मंडल एक है, हम सब व्यापारी आज लग रहा है कि एकता लग रही है हम लोगों। और मोदी जी का जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं तो मुझे एक चीज़ आज महसूस हो रही है कि हम लोग अब एक परिभाषा जो है, पहले बोला जाता था कि 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, लेकिन अब 100 में 99 देशभक्त, सिर्फ 1% गद्दार, इसीलिए मेरा देश महान। तरुण जी बोलेंगे इस बारे में, हमारे महामंत्री के समापन कहां किया जाएगा? देखिए, समापन सागर गेट स्थित हो रहा, और जैसे कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है ये, तो आपसे बस यही कहना है कि झांसी को एक और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मिली है, और वो है ध्यानचंद के नाम पर खेल रतन की। तो इस समय झांसी में जो उत्साह है वो 75वां को लेके भी है, साथ ही साथ बहुत कुछ झांसी को मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और झांसी के सभी नगरवासी बहुत खुशी। स्वतंत्रता दिवस पे कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? हम यही चाहेंगे कि सब एक हो हम लोग, और मिलजुल के अपने देश, हम लोग जो है व्यापार रीढ़ की हड्डी है पूरे, हम लोग सब जो है टैक्स के रूप में देते हैं। हम चाहते हैं एक स्वच्छता वाला माहौल भी बनाए, सारे व्यापारी सहयोग करें, अतिक्रमण मुक्त रहे हमारा बाजार ऑनलाइन, और ये दुनिया भर का जो मॉल ट्रेड है वो, अगर हम अपने बाजारों को स्वच्छ रखें। अच्छा संदेश। झांसी से KKD न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट।